नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 T20 मैचों की सीरीज पर टीम इंडिया ने 3-2 से कब्जा कर लिया। सीरीज के दौरान विराट अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ अहमदाबाद में मौजूद थे। वहीं इस सीरीज में इंग्लैंड को मात देने के बाद अब भारतीय टीम पुणे में खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज में फिर इंग्लैंड का सामना करेगी। सीरीज से पहले टीम इंडिया 21 मार्च 2021 को पुणे पहुंची। इस दौरान टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ पुणे पहुंचे। इस दौरान विराट अपनी फैमिली के साथ पुणे एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। आइए अब आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। पहले तो ये जान लीजिए कि विराट कोहली ने साल 2017 में अपनी ड्रीम गर्ल अनुष्का शर्मा संग ग्रैंड तरीके से इटली में शादी की थी। शादी के 3 साल बाद यानी 11 जनवरी 2021 को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने पहली बार माता पिता बनने का एहसास किया। इस दिन इन्होंने अपनी बेटी का स्वागत किया था जिसका नाम उन्होंने वामिका रखा है। बेटी के जन्म के बाद से ही विराट कोहली अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली को दे रहे हैं। यहां तक कि विराट अपने प्रोफेशनल टूर पर भी वाइफ अनुष्का और बेटी वामिका को साथ लेकर जाते हैं। हालांकि अभी तक विराट और अनुष्का ने अपनी बेटी वामिका का चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन फैंस वामिका की एक झलक पाने को बेकरार है। फैंस की ये इच्छा तब पूरी होती दिखी जब पुणे में खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले विराट अपनी क्यूट फैमिली के साथ पुणे एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। अनुष्का अपनी बेबी को गोद में लिए हुए दिखाई दी, हालांकि यहां भी वामिका का चेहरा नहीं दिखाई दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट की तस्वीरें और वीडियो। दरअसल 21 मार्च 2021 को विराट कोहली अपनी लविंग वाइफ अनुष्का और लाडली बेटी वामिका के साथ पुणे एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। इस दौरान अनुष्का ने अपनी बेटी को गोद में लिया हुआ था और बेटी का चेहरा तौलिया से ढका हुआ था। हालांकि इसके बाद भी बेटी का सिर दिखाई दे रहा था। वहीं इस दौरान विराट कोहली एक लविंग फादर के तौर पर नजर आए। विराट अपने हाथों में बेबी वॉकर लिए हुए दिखाई दिए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी अपनी वाइफ नताशा स्टैनकोविच और बेटे अगस्त्या के साथ पुणे पहुंचे। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल भी अपनी वाइफ धनश्री वर्मा के साथ पुणे एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। इसके पहले अहमदाबाद में खेले गए T20 सीरीज में भी विराट अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे। इस दौरान जिस होटल में विराट कोहली अपनी फैमिली के साथ रुके थे, वहां होटल स्टाफ ने पिछले दिनों उन्हें घर जैसा महसूस कराने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। होटल रूम में नंबर प्लेट को स्टाफ ने विराट, अनुष्का, उनकी बेटी वामिका के नेम प्लेट से बदल दिया था। उनके नेम प्लेट में टॉप पर कपल की बेटी वामिका, दूसरे पर अनुष्का और आखिरी में विराट का नाम लिखा था। इस दौरान रूम के आउटडोर पर घर का स्ट्रक्चर बना था जिसमें लिखा था होम स्वीट होम। 11 मार्च 2021 को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लाडली बेटी वामिका के जन्म को 2 महीने पूरे होने पर कपल ने इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट किया था, जिसकी झलक अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर की थी। एक्ट्रेस ने अपनी स्टोरी में एक रेनबो केक की तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो पर अनुष्का ने लिखा था हमको हैप्पी 2 मंथ। वहीं 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विराट ने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ अनुष्का के संग बेटी वामिका की एक खूबसूरत फोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की थी। इस फोटो को शेयर करते हुए विराट ने अपने कैप्शन में लिखा था एक बच्चे का जन्म होते देखना इंसान को महसूस होने वाला सबसे अविश्वसनीय और अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इसको देखने के बाद आप महिला की सच्ची ताकत और उनकी दिव्यता को समझ पाते हैं और आपको पता चलता है कि भगवान ने उनके अंदर क्यों एक जीवन बनाया। वो इसलिए क्योंकि हम पुरुषों से ज्यादा मजबूत हैं। मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत, प्रखर और दयालु महिला को वुमेन डे की शुभकामनाएं और उसको भी जो अपनी माँ की तरह बड़ी होने जा रही है, और साथ ही सभी अमेजिंग महिलाओं को वुमेन डे की शुभकामनाएं। फिलहाल ये तो साफ है कि विराट कोहली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच अच्छा सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं। वो अपनी बिजी लाइफ में भी पत्नी और बेटी के लिए समय निकाल रही है। तो कोहली फैमिली की सामने आई फोटोज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।